अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक डिवाइस आई है, क्यों मोबाइल i6 Metal 1 डिवाइस है। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह यह थी कि मैं थोड़ा सा बिजी था एक काम में, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, तो इस चीज़ की माज़रत। तो स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। इससे हमने डीसी पावर सप्लाई पे लगाया है मोबाइल को और पावर पर का बटन दबा रहा हूँ मैं, तो ये डिवाइस हमारी ऑन होगी या बूट कर रही है। तो ये देखें, ये इसका डिस्प्ले, मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले इसका, ये लाइनिंग आई हुई है डिस्प्ले के अंदर इसके, ठीक है। तो ये क्यों मोबाइल लिखा हुआ आ रहा है, और कभी लाइनिंग आ जाती है, कभी ब्लर हो जाता है ये, ठीक है। अभी इसकी लाइनिंग नहीं आ रही, दोबारा ऑन करके देखते हैं। और अगर मोबाइल को पावर सप्लाई पे या डीसी उस पे मल्टीमीटर पे चेक करें, तो ये ना हाफ शॉर्ट है और ना ही फुल शॉर्ट है। शॉर्टिंग वाला इसके अंदर किसी सेक्शन में भी ज़रा भी नहीं है। तो ये देखें, अभी इसका क्यू मोबाइल जो क्यू है वो ग्रीन कलर का हो गया और मोबाइल वाइट कलर का हो गया, और इसके अंदर लाइनिंग आ रही है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की लाइनिंग आ रही है, कभी ये लोगो पे हैंग हो रहा है और कभी लाइनिंग आ रही है। तो अभी इसमें थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है, कभी कभार इसमें बहुत ज़्यादा लाइनिंग आनी शुरू होती है। तो इसकी कस्टमर ने एलसीडी, ये देखें अभी ये ब्लू सा एक लोगो आया था, उसके बाद सेट बंद हो गया। तो इतना सा ऑन होता है, उसके बाद ये फ़ौरन सेट बंद हो जाता है। तो कस्टमर ने इसने इसकी एलसीडी भी चेंज करा के देखी है, चेक की है। तो सबसे पहले हम इसका बोर्ड उतार लेंगे। तो एक इसमें यहाँ पर जम्पर इन्होंने दिया हुआ है, ये रेक्टिफायर डायोड एक लगा कर ये डिस्प्ले इसको, सॉरी चार्जिंग का जम्पर इन्होंने लगाया हुआ है एक। तो दोस्तों ये मसला कहाँ से हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मसला इसका डिस्प्ले जो है वो इसका प्रोसेसर चला रहा है, ठीक है। यह मसला इसका डिस्प्ले का हो सकता है। डिस्प्ले में अगर कोई लाइन कट हुई हुई होती तो ये हमारा डिस्प्ले प्रॉपर आता ही ना, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्ले जैक जो है, इसको हमने चेक करना है, इसको डिस्प्ले जैक को, कि इसके डिस्प्ले जैक के अंदर जो ग्राउंड के अलावा कोई पॉइंट शॉर्ट तो नहीं है। तो इसमें डिस्प्ले जैक के ऊपर ग्राउंड के अलावा कोई भी पार्ट, कोई भी इसकी लाइन या कोई भी इसका जो जितने भी यानी के पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट ग्राउंड के अलावा शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है जो इसकी डिस्प्ले जैक की वेज में जितने भी कोई अगर वोल्टेज की लाइन है तो कैपेसिटर वगैरह लगाए गए हैं, वो उनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, जिसकी वजह से यानी कि जो डिस्प्ले को चलने के लिए -5 वोल्ट जो चाहिए होते हैं, अगर उसकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से ये लाइनिंग वगैरह और डिस्प्ले जो फेड होता है उसकी वजह से होता है। लेकिन इसमें वो लाइन भी ओके है, सब कैपेसिटर वगैरह सब ओके हैं, तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इसके प्रोसेसर की है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेसर है वो हम उतार के रिबाल करके लगाएंगे वापस। तो इसका जो प्रोसेसर लगा हुआ वो पेस्टिट प्रोसेसर लगा हुआ है। मैं लाइटें थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और पेस्टीट प्रोसेसर या EMMC किस तरीके से उतारते हैं, कैसे उतारते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हीट गन ऑन करनी है और इसका टेम्परेचर हमने राउंड अबाउट 250 तक रख लेना है, ठीक है।
उसके बाद हमने इसकी जो साइडों से पेस्ट है उसको साफ़ करना है। तो जो ये ब्लेड मैं चला रहा हूँ ये वाला, इसमें आपने देखना है कि मैंने इस ब्लेड को कर्व करके नहीं रखना है, इसको बिल्कुल ये सीधे एंगल में रख के यूँ चलाना है आपने। कुछ लोग हैं वो यूँ करके चलाते हैं, इससे आपके प्रोसेसर के पॉइंट भी डैमेज हो सकते हैं और इसकी प्रोसेसर की लाइनें भी डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बिल्कुल सीधे एंगल में रख के चला रहा हूँ ब्लेड, और इसके ऊपर आपने दबाव ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, थोड़ी सी भी लाइन अगर आपने ज़्यादा दबा के इसकी स्क्रैच कर दी तो नीचे से पिन डैमेज हो जाएंगे, तो आपका काम ख़राब हो जाएगा, डिवाइस जो है आपकी ज़ाया हो सकती है। ये देख सकते हैं अभी हमने इसकी जितना भी इसके अंदर पेस्ट थी वो हमने काट ली है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड से हमने काटी है पेस्ट। अब प्रोसेसर को हमने जिस साइड से उठाना है उस साइड से हमने इसकी शील्ड जो है वो काट लेनी है। तो इस साइड से प्रोसेसर को उठाते हैं, इस साइड से शील्ड मैं काट लेता हूँ इसकी। तो देख सकते हैं आप, शील्ड मैं इसकी काट चुका हूँ। तो शील्ड के नीचे भी इसकी काफ़ी सारी ग्लू लगी हुई है, तो वो हम इसकी रिमूव करते हैं। बस इतना सा हमारे लिए बहुत है। तो कुछ लोग ये बात करते हैं कि जो है ना पेस्टिड प्रोसेसर या ईएमसी उतारने के लिए आपने फ्लक्स यूज़ नहीं करनी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो फ्लक्स होती है वो आप की जो आईसी है उसको ज़्यादा हीट से बचाती है। ठीक है, उसे डैमेज होने से बचाती है। तो प्रोसेसर को उठाने के लिए जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं सनशाइन का टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो जितनी देर में प्रोसेसर उतरेगा उतनी देर हीट आप देख लेना, मैंने कितनी सेकंड पहले स्टार्ट की थी हीट देनी और कितनी देर लगातार मैंने हीट दी है और मैं प्रोसेसर कब उठा रहा हूँ। तो कोई भी पेस्टिड आईसी उठाने का मेन यानी कि पहला फार्मूला यही होता है कि आपके जो साइडों पे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने देख लेने के वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं या नहीं हुए। ठीक है, वो मेल्ट होने शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि आप उसे उठा सकते हैं। तो टूल हमारा इसके अंदर इंसर्ट हो गया, लेकिन आईसी जब तक खुद ना ऊपर उठे आपने जोर नहीं लगाना, प्रिंट आपके डैमेज हो जाएंगे। तो कोई भी पेस्टिड आईसी उतारने का तरीकाकार यही है जो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो अगर मुख्तलिफ किस्म की लोगों के पास हीट गन्स हैं, जो पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्विक की यूज़ कर रहे हैं, क्विक 861 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका टेम्परेचर जो है ना वो रख सकते हैं आप 350 से 360 के दौरान, और हीट रख सकते हैं, ये हीट बता दी आपको 350 से 360 के दरमियान, और एयर आपको रखनी है 30 पे। कम्बिनेशन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कम्बिनेशन पसंद होते हैं। अगर आपके पास काडा की हीट गन है 878 या
2018 डी प्लस, तो आप इसका टेम्परेचर रख सकते हैं 360 पे या 350 पे, सेम टेम्परेचर है, लेकिन एयर उसमें आपने रखनी है 6 या 7 पे रख लें आप, ठीक है। 5 पे उसकी एयर सबसे कम 5 तक जाती है, अगर आप 300 से ऊपर टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो आपने एयर 5 पे नहीं रखनी, एयर आपने रख लेनी है 6 या 7 पे। एयर का फ्लो ज़्यादा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि सारे पॉइंट आपके एट अ टाइम सब मेल्ट हो जाएंगे, एयर जो एयर है उसका फ्लो ज़्यादा होने की वजह से। ये नहीं है कि आपने ज़्यादा पॉइंट मेल्ट करने के लिए हीट ज़्यादा कर लेनी है, जो एयर है उसके फ्लो के ऊपर भी ये सारा मुनिसर होता है कि पॉइंट कितने आपके मेल्ट हो रहे हैं। अगर आपकी हीट ज़्यादा है, एयर कम है, तब भी यहीं से ही पॉइंट मेल्ट होंगे, वहाँ से नहीं होंगे। लेकिन आपकी हीट बेशक कम है लेकिन एयर का फ्लो ज़्यादा है, तो आपके पॉइंट यहाँ से भी मेल्ट होंगे, यहाँ से भी, ये पूरे सर्कल के अंदर आपके पॉइंट मेल्ट होंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारी ये पेशी टाइसी थी, कोई प्रिंट वगैरह इसका डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, ना प्रोसेसर का हुआ ना इसकी नीचे बोर्ड से हुआ है। तो इसी तरीके से आपने उतारना है, आप सिर्फ इसको हमने साफ़ करना है और ये बाल करके वापस लगा देना है। तो इसको साफ़ करने का भी तरीका कार यह है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट काविया इस्तेमाल नहीं करना आपने, बेशक ये अभी आप आईसी उतार चुके हैं तो इसके ऊपर आपने अभी काविया डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, इसके ऊपर फ्लक्स आपने लगानी है, अप्लाई करनी है अच्छी मिकदार में, उसके बाद आपने काविया इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। तो काफ़ी लोग आयरन जो है उसका भी टेम्परेचर का पूछते हैं, तो ये आईसी के पॉइंट साफ करते वक्त आपका आयरन का टेम्परेचर मिनिमम 400 होना चाहिए। तो यहां पर आपको नीचे साफ करने के लिए जो आपकी ग्लू है उसको साफ करने के लिए या हीट गन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो या सोल्डिंग विक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। विक आपने इस्तेमाल करनी है, उसका भी तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। उसका तरीका कार यह है कि आपने विक को ज़्यादा नीचे दबा के इस्तेमाल नहीं करना, बस आपने फेरते जाना है इसके ऊपर, जहाँ पे आपने ज़्यादा दबाव दे दिया तो नीचे से आपके जो यूवी पेस्ट लगी हुई है ग्रीन कलर की वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स फिलहाल तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, आयरन से लेके हीट गन से लेके ये बुश से लेके क्लीनर जितने भी हैं, ये सब मैं सनशाइन ब्रांड के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुश भी सनशाइन के, और ये बहुत ज़बरदस्त बुश है, ये जिस तरह पेस्ट वगैरह साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी जो इस साइड पे तारें लगी हुई हैं, ठीक है, ये आपके पॉइंट भी डैमेज नहीं करती हैं और आपकी जो यहाँ पे पेस्ट लगी हुई है एक्सेस उसको भी ये रिमूव कर लेगी, ठीक है। और ये तारें कर्व भी नहीं होती हैं, लेकिन इन तारों का फ़ायदा ये है कि आपके बोर्ड को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी किसी किस्म का भी, लेकिन आपके नीचे जो पेस्ट लगी हुई है, जो आपकी परमानेंट पेस्ट लगी हुई है, उस जो एक्सेस हुई पड़ी है ज़्यादा लगी हुई है, उसको ये लाजमी रिमूव कर लेगी, लेकिन आपका बोर्ड एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसकी हार्डनेस के ऊपर होता है कि ये बहुत ज़्यादा तारे हार्ड नहीं हैं। तो सनशाइन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं और आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं वो, ये सनशाइन के टूल्स जो हैं। आयरन भी मैं सनशाइन का यूज़ कर रहा हूँ, बिट भी मैं सनशाइन की यूज़ कर रहा हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसके ऊपर अभी हम प्रोसेसर लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो प्रोसेसर है बस उसकी सफाई रह गई है। प्रोसेसर को किस तरीके से क्लीन करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर के आपके पॉइंट्स डैमेज ना हो। और इसके ऊपर जो ग्लू है वो हम हीट गन से रिमूव करेंगे। और इसके ऊपर ब्लेड तब तक नहीं चलाना हमने, ठीक है, जब तक नीचे से पॉइंट मेल्ट नहीं हो जाते। तो इसके ऊपर से मेन मेन जो ग्लू थी, पेस्टिड पेस्ट जो थी, वो हमने रिमूव कर ली है। उसके बाद फिर इसके ऊपर फ्लक्स लगाना है हमने। तो अब इसकी जो सफाई है उसका मरहला आ गया इसको साफ करने का। तो सबसे पहले इसके ऊपर साफ करने के लिए हमने लगानी है फ्लक्स। और उसके बाद फ्लक्स के साथ हमने इसके ऊपर जो यूज़ करनी है वो मैं लो टेम्परेचर बीजीए पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, 138 डिग्री। साथ इसके इसके ऊपर विक यूज़ कर रहा हूँ मैं, सोल्डर विक। विक अभी यहाँ पे काम ये करेगी कि कोई भी फ्लक्स वगैरह, वो पेस्ट अगर रहेगी हमारी कोई जो परमानेंट पेस्ट थी, तो विक उसको साफ करेगी। तो इसमें आपको एक चीज़ मैं बात बता देता हूँ, क्लीनिंग आपने अगर बोर्ड की भी करनी है और या आपने इसकी करनी है प्रोसेसर ईएमएमसी की, किसी चीज़ की भी क्लीनिंग करनी है, उसमें आपको एक चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन जो चीज़ है, लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है फ्लक्स। ठीक है, इसमें जितनी ज़्यादा मिकदार में फ्लक्स आप यूज़ करेंगे, आपका प्रोसेसर ईएमएमसी उतनी सेफ रहेगी, उसके प्रिंट डैमेज नहीं होंगे और वो इतने अच्छे तरीके से क्लीन होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेसर जो है अभी हमारा रिबॉल होने के लिए रेडी है। अब इस प्रोसेसर को हम रिबॉल करेंगे। तो दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे तो 6280A जो आईसी है वो प्रोसेसर जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ट्यूज़र की मदद से इसको होल्ड करना होता है और इसके ऊपर हमने फ्लक्स, ये जो बीजीए पेस्ट है वो अप्लाई करनी होती है। तो इस रिबॉलिंग प्रोसेस में मैं जो स्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो omoi.com की यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टेंसिल्स हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट है इनका। अगर आपको ये सेम स्टेंसिल्स चाहिए, इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं ये सब प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, मुझसे आप मंगवा सकते हैं TCS के थ्रू। उसके बाद आपने इसको साफ़ कर लेना अच्छे तरीके से टिश्यू की मदद से।
उसके बाद इसके ऊपर हीट अप्लाई करनी है, हीट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी, हीट साइड से देनी होती है आपने, तो जो लोग कहते हैं कि बबल छोटे बड़े बन रहे हैं तो उनके लिए यही टिप है मेरी आज की कि उन्होंने हीट डायरेक्ट ऊपर से हीट नहीं देनी होती, हीट आपने साइड से देनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसर ही बाल हो चुका है, तो इसकी टेप हम उतारेंगे, तो इसको थोड़ा सा ही साइड से हम वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई भी प्रोसेसर का आपका पॉइंट जो है वो फंसा हुआ नहीं होना चाहिए आईसी के नीचे स्टेंसिल के अंदर। तो ये देखें आईसी हमारी प्रोसेसर फुल इबाल हो चुका है हमारा। तो इसे वॉश करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें प्रोसेसर आपको दिखा रहा हूँ, प्रोसेसर हमारा कंप्लीट रिबाल हो चुका है। तो अभी इसको बस बोर्ड के ऊपर हमने लगाना है। अच्छा दोस्तों, अभी इसके ऊपर हम जो आईसी हमने उतारी थी वो आईसी इसके ऊपर हम माउंट करते हैं, जो प्रोसेसर हमने उतारा था उसको लगाते हैं। लगाने का भी सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले हम ईएमएमसी जो है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे। फ्लक्स में जो यूज़ कर रहा हूँ री लाइफ की यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रोसेसर साइज में बड़ा होता है इसलिए कोशिश करनी है तो सब जगह पे इसकी फ्लक्स हम अप्लाई लाजमी करें। फ्लक्स सब जगह पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा आपको कि प्रोसेसर आपका गलत जगह पे माउंट नहीं होगा, ऑटोमेटिक अपनी सही जगह वो ले लेगा। तो प्रोसेसर को अपनी जगह पे रखें। उसके बाद इसके ऊपर हीट अप्लाई करनी है हमने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स सब जगह पे लगी होगी तो प्रोसेसर ऑटोमेटिक अपनी सही जगह बैठ जाएगा। तो प्रोसेसर पहले आपने देखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रहा था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ हिला, उसके बाद इसने ऑटोमेटिक अपनी सही जगह पकड़ ली है इसने। तो प्रोसेसर के दो जो दो कोने हैं, कोई भी दो कोने आप हल्के से हिलाएंगे प्रोसेसर को प्रॉपर अपनी जगह पे बैठाने के लिए, वो हमने हिला दिए, प्रोसेसर प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ चुका है। उसके बाद इसके ऊपर फ़ौरन से आपने कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लक्स आपने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, फ़ौरन से इसको कूल करने के लिए
जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर लिक्विड अप्लाई करेंगे हम इसको कूल करने के लिए। और उसके बाद हम इसको साफ करेंगे। इसे पावर सप्लाई के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो डिवाइस हमारी बूट कर रही है पावर सप्लाई के ऊपर। तो इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए जो है हम इसकी एलसीडी जो है वो लगा लेते हैं और इसका थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। इसको पावर सप्लाई से ही हम ऑन करते हैं। तो डिवाइस हमारी बूट कर गई है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो हमने देखनी है कि वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए लाइट में थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आपको। तो ये देखें फर्स्ट लोगों से हमारा मोबाइल आगे चला गया। तो ये देखें हमारी प्रॉपर डिवाइस ऑन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। टच इसका वर्क नहीं कर रहा तो वो भी हम देख लेते हैं टच क्यों नहीं वर्क कर रहा इसका। तो इसको एक बार सोल्ड कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ट्यूज़र यूज़ ना करनी पड़े। टच का जो जैक है उसको हम थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। दोबारा ऑन करते हैं इसको। तो ये फर्स्ट लोगों से आगे डिवाइस हमारी चली गई है। तो ये टच हमारा स्ट्रिप प्रॉपर नहीं लगी हुई थी। तो ये कुछ गेम्स वगैरह ये कस्टमर्स की शायद पड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिवाइस रिकवर हो गई है। इस तरीके से आप कोई भी पेस्टेड आईसी प्रोसेसर कोई भी आप इस तरीके से उसको रिकवर कर सकते हैं अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें अब काफ़ी सारे दोस्त वो ये अगर कहना पूछना चाह रहे हैं कि आपने इसकी जिस तरीके से यानी कि इसकी जो डिस्प्ले वेज हैं प्रॉपर
प्रॉपर आपने सेमेंटिक डायग्राम के ऊपर क्यों नहीं समझाई कि कितने वोल्ट इसको मिल रहे होते हैं, ठीक है, कितने वोल्ट के ऊपर डिस्प्ले हमारा ड्राइव होता है और इसकी रिसेट लाइन जितनी भी है, तो उसमें यह कि क्यों मोबाइल की जो डायग्राम्स है ना वो प्रॉपर अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने एक अंदाजे से उसका जो डिस्प्ले जैक है, ये डिस्प्ले जैक है, इसको हमने पहले मल्टीमीटर से रीडिंग ले लेनी होती है इसकी अपने तजर्बे के मुताबिक, ठीक है, कि ये डिस्प्ले जैक सही हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो लाइनिंग का मसला आता है, ये अगर आपकी वोल्टेज प्रॉपर ना पहुंच रही हो डिस्प्ले को तो तब भी लाइनिंग का मसला आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं मिल रही थी और कोई लाइन डैमेज भी नहीं थी कि यहाँ से यहाँ तक प्रोसेसर तक कोई लाइन डैमेज हो, तो सब लाइनें भी ओके थी। तो उसके बाद इसका एक ही यानी कि पीछे रहता है वो रहता है प्रोसेसर, ठीक है, तो प्रोसेसर को हमने इसको रिकवर कर लिया, ठीक है। एक दफ़ा हम और इसको डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखते हैं। तो ये डिवाइस ऑन नहीं होती थी आपकी ना, फर्स्ट लोगों पे ही रुकी रहती थी और लाइनिंग आ जाती थी उसके अंदर। तो ये देखें प्रॉपर हमारी डिवाइस दोबारा बूट करके ऑन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस चीज़ का बताया कि आप के पास इस तरह के फॉल्ट आ जाए, लाइनिंग आ रही हो, तो उसको आपने किस तरीके से रिकवर करना है, ठीक है, और किस तरीके से आपने पेस्टेड आईसी को उतारना है, प्रोसेसर हो बेशक हो EMMC हो, उसका उतारने का तरीका कार यही है, ठीक है। और टेम्परेचर मैंने आपको बता दिए हैं कितने टेम्परेचर और कितनी एयर आपने यूज़ करनी है, ये सब प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों आपने वीडियो लाइक और कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाजमी करना है। तो इसमें आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने कोई भी डिवाइस आपने रिकवर करनी है, अगर वो ओप्पो की है कोई भी डिवाइस है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो सबसे मेन चीज़ यह है कि आपके पास उसकी स्टेंसिल होनी चाहिए रिबॉल करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्ट स्टेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इस तरह अगर स्टेंसिल आपके पास अवेलेबल होगी तो आप आपके सामने यह है कि ये डिवाइस विद इन 30 मिनट्स हमने ये प्रॉपर प्रोसेसर उतार के भी रिबाल करके भी डिवाइस हमने डन कर ली है। तो इसमें इसी तरीके से आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। तो फॉल्ट अगर आपके पास डिस्प्ले का आ जाता है, अगर आपके पास जिस तरह लाइनिंग आ जाती है LCD चेंज करने के बाद भी सेम है, तो अगर जो सिमेंटिक डायग्राम है तो आप उसकी लाइनों के आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास डायग्राम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और लाइनें आपको ओके नज़र आ रही हैं, तो फिर आपको प्रोसेसर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इन मॉडल्स में ये डिस्प्ले प्रोसेसर चला रहा होता है, ठीक है। जिनमें डिस्प्ले IC लगी हुई है उनके अंदर और तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन जिनमें प्रोसेसर ही डिस्प्ले चला रहा है उनमें हमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने वीडियो लाजमी लाइक करनी है और शेयर भी कर देनी है, ठीक है। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।